हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T3X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की ना हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका फोन हैंग करता है तो सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में राइट साइड की टॉप पर छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है। अब आपका एक ये पेज आता है, इसमें आपको ना नीचे की साइड में मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको ना यहाँ पर ये लिखा हुआ मिलता है अपडेट अवेलेबल, इसके नीचे अगर ये सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है तो इसे टैप करना है। आपको इस वाले पेज में ना मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, इन सभी को अपडेट करना है इस अपडेट ऑल के बटन पर टैप करके, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ना सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा, इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।